स्वागत है आप सभी का फैक्ट्री इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। मेरे साथ आप पीछे यहां पर तस्वीर देख सकते हैं कि भाई MS धोनी, साक्षी धोनी साथ में दिवाली मना रहे, बट एक खास गेस्ट उनके घर आए हुए थे, वो थे ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत जो कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ या फोटोज़ देखी होंगी कि भाई वो कोलकाता में है और दिल्ली कैपिटल के जो आईपीएल का जो कैंप है वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए, वहाँ पर सौरव गांगुली थे, वहाँ पर रिकी पॉन्टिंग थे। वहाँ पर सौरव गांगुली ने भी बयान दिया था कि आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को लीड करेंगे, कैप्टन रहेंगे, प्लस उन्होंने जो है तैयारियाँ शुरू कर दी और वो अच्छे फिट नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया था कि भाई आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत दिखेंगे और साथ ही कप्तानी भी करेंगे जो पिछले सीज़न उन्होंने की थी, क्योंकि पिछले सीज़न में ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे इसलिए डेविड वॉर्नर को कैप्टनसी दी गई थी। अब ऋषभ पंत दिवाली के मौके पर MS धोनी के घर पहुंचे, वहां पर MS धोनी के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह भी थे। वहां पर जो फोटोज़ वहां से सामने आई हैं, साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की जहां पर ऋषभ पंत नज़र आए और उसके बाद से भाई सोशल मीडिया पर जो है बवाल हो गया कि यार ऋषभ पंत MS धोनी के घर पहुंच गए हैं दिवाली मनाने, क्योंकि ऋषभ पंत हमेशा से आइडल मानते हैं MS धोनी को अपने और काफ़ी क्रिकेट इन्होंने साथ में खेला, जितना भी लास्ट टाइम रहा MS धोनी का उसमें ऋषभ पंत भी साथ रहे। तो इनकी एक अलग बॉन्डिंग है, एक गुरु चेले वाली बॉन्डिंग है। आईपीएल में हम देखते काफ़ी इनके बीच मजाक मस्ती होती रहती थी और अब ऋषभ पंत भी अब रिकवरी के फेज़ में है और लगभग तय माना जा रहा है कि भाई जो जनवरी में जो टेस्ट सीरीज़ है इंग्लैंड से भारत की होम सीरीज़, वहाँ पर ऋषभ पंत आपको ज़रूर दिखाई देंगे। फिलहाल उनकी जगह पर ईशान किशन को मौका दिया जा रहा है, बट जैसे ही ऋषभ पंत आएंगे तो शायद आप देखेंगे कि ईशान किशन का पत्ता कट जाएगा। बट ये जो तस्वीरें हैं दिवाली की, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, बड़ी क्यूट तस्वीरें हैं जिसमें ऋषभ पंत नज़र आ रहे हैं MS धोनी के साथ, साक्षी के साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पर, रिलेटिव्स हैं, तो सबके साथ ऋषभ पंत ने दिवाली मनाई और हर किसी को बस अब यही उम्मीद है कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द टीम इंडिया में आए और जल्द से जल्द उनका जलवा दिखे। आपके इस बारे में क्या राय है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।